एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इस प्रैक्टिस सेट में जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे सभी प्रश्न समकालीन कलाकार से संबंधित प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। 50 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक लोगों को, जिससे क्लास में अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 100 तक यहाँ पर हम अध्ययन हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, एस धनपाल किस कला मंडल के संस्थापक सदस्य भी रहे? आपको बताना है एस धनपाल किस कला मंडल के संस्थापक सदस्य भी रहे। लंदन ग्रुप के, चोल मंडलम के, शिल्पी चक्र के या पैग ग्रुप के? तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चोल मंडल। तो यस धनपाल चोल मंडलम के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 52, ग्राम देवता नामक मूर्ति किसके द्वारा बनाया गया है? प्रश्न, ग्राम देवता नामक मूर्ति किसके द्वारा बनाया गया है? माधवी पारेख के द्वारा या हेमंत शेष के द्वारा या एस धनपाल के द्वारा या के खोजा के द्वारा? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, एस धनपाल। ठीक है, तो ग्राम देवता नामक मूर्ति एस धनपाल के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 53, कंचन चंदर का जन्म कब हुआ था? बताइए कंचन चंदर का जन्म कब हुआ था? 1857 में, 1940 में, 1879 में कि 1480 में? तो बताइए कंचन चंदर का जन्म कब हुआ था? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 1857 ईस्वी में। तो कंचन चंदर का जन्म 1857 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, कंचन चंदर किस रूप में जानी जाती हैं? बताइएगा कंचन चंदर जिनका जन्म 1857 में हुआ था उनकी प्रसिद्धि किस रूप में है? लेखिका हैं कि चित्रकार प्रिंट मेकर हैं कि समीक्षक हैं या इतिहासकार हैं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चित्रकार और प्रिंट मेकर। तो कंचन चंदर जो कि समकालीन चित्रकार और प्रिंट मेकर हैं, इनका जन्म 1857 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 55, किस कलाकार का चित्र गुलाबी फूल के साथ धड़ है? तो आपको बताना है गुलाबी फूल के साथ धड़ ये चित्र किस कलाकार का है? मोहन राय का है, नटराज शर्मा का है कि नटवर भावसार का है कि कंचन चंदर का है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कंचन चंदर का। तो ये जो चित्र है गुलाबी फूल के साथ धड़ एक कंचन चंदर का चित्र है। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 56, के खोसा का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में, लाहौर में, राजस्थान में या श्रीलंका में? तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, लाहौर में। तो के खोसा का जन्म लाहौर में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 57,
के खोसा को राष्ट्रीय पुरस्कार से कब नवाजा गया? 1943 में कि 1949 में कि 1950 में या 1963 में? तो के खोसा को राष्ट्रीय पुरस्कार से कब नवाजा गया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1963 ईस्वी में के खोसा को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला प्रश्न है, के एस राधा कृष्णन के कला गुरु कौन थे? देवला लीकर थे कि रणवीर सिंह थे या राम किंकर बैज थे या भूरी सिंह थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राम किंकर बैज। तो के एस राधा कृष्णन के कला गुरु थे राम किंकर बैज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए मित्रों। अगला प्रश्न है, कविता नायर किस रूप में प्रसिद्ध हैं? कविता नायर किस रूप में प्रसिद्ध हैं? गायन, प्रिंट मेकर, चित्रकर्ती या फोटोग्राफर? तो सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही है, प्रिंट मेकर। तो कविता नागर की प्रसिद्धि जो है वो प्रिंट मेकर के रूप में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 60, बोर्न अगेन एंड अगेन किसकी कृति है? बोर्न अगेन एंड अगेन किसकी कृति है? जरीना की है, जोत्सना की है, दमयंती चावला की है या कविता नायर की है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कविता नायर की है। तो बोर्न अगेन एंड अगेन कृति जो है वो कविता नायर की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,